पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ वायु, शुद्ध पेयजल को लेकर उत्तम हिंदू द्वारा चलाई जा रही एनवायरमेंट कंक्लेव के समापन समारोह का आयोजन अजीत प्रकाशन समूह के मुख्य संपादक पद्म भूषण डॉक्टर बरजिंदर सिंह हमदर्द की अध्यक्षता में जलंधर के एक निजी होटल में किया गया, जिसमें पंजाब विधानसभा के स्पीकर राणा केपी सिंह, रेडक्रॉस सोसाइटी के उप प्रधान अविनाश खन्ना, पर्यावरण प्रेमी संत सीचेवाल और दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इजरान आए हुए मुख्य मेहमानों द्वारा दीप प्रज्वलित कर इस समागम का आगाज किया गया। इस मौके पर आए हुए गणमान्य व्यक्तियों ने उत्तम हिंदू के संपादक इरविन खन्ना द्वारा चलाई गई एनवायरमेंट कंक्लेव की सराहना करते हुए उनकी प्रशंसा की और लोगों से पर्यावरण को स्वच्छ रखने व हरा भरा बनाने के लिए अपील की, ताकि आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ और सुंदर वातावरण प्रदान किया जा सके। इस मौके पर विधायक परगट सिंह, एलपीयू के वाइस चांसलर रमेश मित्तल, बलजीत सिंह नीलामहल, सिटी ग्रुप के चरणजीत सिंह चन्नी, वरिष्ठ पत्रकार व साहित्यकार सुरेश सेठ, पूर्व मेयर सुरेश सहगल, पूर्व भाजपा अध्यक्ष सुभाष सूद, डॉक्टर गीता डोगरा सहित शहर के विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के पदाधिकारी मौजूद थे। जी पहली गल जो मंतव है उसके लिए सब तो पहला थानू अपने आप नाल प्यार करना पड़ेगा। जे तुसी अपने आप नाल नहीं प्यार करते फिर तुसी सोचो कि दूसरे तुसी प्यार की करोगे। जे अपने आप नाल प्यार करना तो थानू इन्हां सारियां बीमारियां तो दूर रहना होगा। जे थोड़ी हैल्थ चंगी है तो सब कुछ चंगा है, जे हैल्थ नहीं चंगी तो कोई चीज़ भी जिहड़ी है वो थोड़े वास्ते साढ़े वास्ते उसका कोई लाभ नहीं है। हैल्थ चंगी किवें होवे उहदे लई सानू नेचर नाल जुड़ना पड़ेगा। एक प्रयास तो होया असी एक कदम अगे तो बढ़े, जे सारे लोग इकट्ठे होके, मैं तो सोच रहा बैठा कि इतने तीन अखबारों के मालक बैठे ने, हमदर्द जी बैठे ने, उत्तम हिंदू के मालक बैठे ने, बेसा बैठे ने, तिने अखबार एक एक सोशिश हो कि असी तिने अखबार के मालक इकट्ठे होके थोड़ा प्यार भी बहुत हो दी तय तुम कर लो। भास्कर भी बैठे ने, जे भी ना रलना तो रल सकते हैं जो मालक की पॉलिसी हो। उस इशू नूं लैके तुसीं समाज नूं जागरूक करना शुरू करो, क्योंकि थोड़ी एक गल लिखी हुई, एक लाइन लिखी हुई लोगों के दिमाग च बहुत असर कर रही है। तुसीं अज लिख रहे हो इत्थे खड़े कि अविनाश खन्ना ने राजनीति तों रिजाइन लै लिया, मैं पुछना क्या होवे तां लोगों ने मान लिया कि अविनाश खन्ना राजनीति तों गया। इन्ना लोग थोड़ा विश्वास करते हैं जिदा किसी ग्रंथ से विश्वास करते हैं, इस तरह अखबार से विश्वास करते हैं। आओ अज इत्थे तिने जणे फैसला करे, जदों भी भाई साहब बोलेंगे साढ़े रविंदर भाजी एक विषय नूं लैके कि मेरी अखबार इस पर्यावरण के विषय में लैके, कोई सेव वाटर है, कोई दरख्त लगाने की गल है, वो इशू लैके असं लीड करांगे, तो देखो किन्ने इशू इकट्ठे होकर पंजाब दे विचों चलणगे और बहुत बड़ा काम असी कर सकांगे। असी बाकियों नूं भी सुनना, मैं ज़्यादा समय लैंदा होया एक गल का धन्यवाद कि तुसीं बड़े आराम के नाल सुनिया। इसलिए दूजा धन्यवाद स्टेट सैकटरी ने इस कार्यक्रम जान बनने की पूरी कोशिश की है, और तीजा धन्यवाद अरविंद जी थोड़ा जिन्हें तुम इस प्लेटफॉर्म से इन्होंने सारे लोगों जिन्हों को शायद अज के समय टाइम ना हो टाइम तुम लैके इन्हों एक मैसेज देने की कोशिश की है। ये बहुत चिर पहला बनना चाहिए सी, क्योंकि जिन्ना चिर साडे फ्रंट पेज एनवायरमेंट नहीं बनेंगे उन्ना चिर सानू उस स्नेहा नहीं जाऊगा। तो यह बहुत वड्डी लोड़ है, असी आप सब का धन्यवाद करते हैं। जेडे शब्द खन्ना साहब बोल के गए हैं जानू आस होगी कि बाबा जी ने बोलने हैं वो थोनू सारे पता, कोई भी थोड़े बच्चे सानू हो सकता कि दो चार बच्चे कह सकते कि जड़िया गल् कर सू नहीं पता। असी थोनू सारे एक बेनती करा जिदी अज लोड़ वो है अमल की। असी अज पढ़न करिए भी जिन्या गल सुनियाँ एक एक ही पल फाली है, जिस तरह एक एक मुद्दा अखबारों दिता असी जीवन दे विच इको ही पढ़न कर लिए भी इन गल जल्दे हवा पानी ते धरती नूं बचाउण वास्ते साडी जिम्मेवारी है, असी निभावांगे, मैं निभाऊंगा। तो मेरा जिथों तक सरोकार है ते मैं ये स्नेहा अपने बच्चों नूं देऊंगा,
मैं यह सुनेहा अपने परिवार नूं दूंगा, मैं अपने दफ्तर विच दूंगा, मैं अपने जिथे भी बैठूंगा मैं इन्हां दी गल करूंगा, क्योंकि हवा पानी धरती जिहड़ी है इहदे तो बिना कोई विकास नहीं। अज दा इह प्रोग्राम कीता गया मैं खन्ना साहब का, जिन्हां ने तरद्दत करके सानू सब कट्ठे होने का मौका दिता है, उन्होंने बड़ा शुक्रगुजार है। और अज के इस मौके पंजाबी की पत्रकारिता जगत के सिखरां नूं छूण वाले चोटी के पत्रकार एडिटर मेरे बड़े वीर सरदार बरजिंदर सिंह हमदर्द साहब, बहुत ही सत्कारयोग संत बाबा गुरवीर सिंह सीचेवाला जी, जिहड़े पर्यावरण की दुनिया नाल जुड़े ने, बटमलियां गल्लां करके गए ने। बाबा जी वैसे भी हिंदुस्तान की संस्कृति संत समाज ने हमेशा अगवाई की थी है, वड़ियां वड़ियां समाजिक राजनीतिक मूवमेंटा जन्म दिता, कई बार सरकार बदलिया, मुल्क की आजादी च भी बहुत वड़ा योगदान पाया, बहुत सारिया गल्ला कीतिया गई। अज लगता है कि मुड़ के फिर भीड़ पई है इस गल की कि पर्यावरण के मसले च भी तुसी बहुत वड़ी पहलकदमी की है, और अमीर परंपरावां जिहड़ियां साडी संस्कृति दियां उन्होंने जिंदा रखिया। सो मैं थोड़ा भी शुक्रगुजार है। पर्यावरण की जिहड़ी गल है मनुख नूं सब तो पहला जिंदा रहण वास्ते साफ पानी ते साफ हवा की लोड़ है, बाकी गल्लां सारियां बाद विच है। पर्यावरण की जिहड़ी तकलीफ है बीमारी है ये उदों तो शुरू हुई है जदों तो इंसान ने तरक्की करनी शुरू की थी। 18वीं सदी के अखीर में जदों दुनिया च इंडस्ट्रियलाइजेशन ने कदम रखिया उहदे नाल ही ऑर्गेनाइजेशन शुरू होया, बहुत सारे लोग एक जगह से इकट्ठे होकर काम करन लगे, नवे शहर वस गए, आबादियां वधियां, जंगल कटे गए, इंसानी जरूरतां वध गईयां, खेती वास्ते जमीन की होर जरूरत पई। यानी बेसिकली जिहड़ा पर्यावरण का मुद्दा है जो मेरी समझ च है ये वधदी हुई आबादी नाल जुड़िया है। ते जैसे जैसे दुनिया की आबादी वधी उही हिंदुस्तान जिहड़ा आजाद होया सी अज उहदी कई गुणा आबादी वध गई। आ पंजाब हजे 66 रीऑर्गेनाइजेशन होया। सो मैं तां तुहाडे विचों ही हां, तुहाडे वर्गा ही हां, बल्कि थोड़े प्लेटफार्म से सरकार को भी यहाँ कहना है कि साहब कोई ना कोई यदा इंसेंटिव वगैरह जरूर शुरू कर, जोड़ा को पेड़ लगते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है बिना मोर्टेलिटी बहुत, पेड़ कामयाब करना बहुत बड़ी समस्या आ गई। जो कोई घर में 10 पेड़ ला दे, अपने आले दुआले 10 पेड़ बचा ले, तो क्या मजबूरी है कि लोकल म्यूनसिपल लॉ है जोड़ा ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਜੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸ 'ਚ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋੜ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਗਰੀਨਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਐਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੋਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੋਗੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ सारे साथियों ने बुलाया, मैनू भी मौका दिता, मैं थोड़े दर्शन कर सकिया। बहुत भगवंत सुलझे हुए सज्जनों,
स्टेज ते विराजमान श्री अविनाश राय खन्ना जी, राणा के पी सिंह जी, सत्कारयोग संत बलबीर सिंह जी, मेरे छोटे भी निर्वन जी। सब तो पहला मैं निर्वन जी मैं थानू इस गल की बधाई देना कि तुसी एक बहुत अच्छे मिशन में होने। मैं इतने बैठा सोच रहा सी कि साढ़े अखबार लाहौर तो शुरू हुए सी, इतने इधर वंट तो बाद जेड़े उत्ते अखबार नाल संबंधित सके व्यक्ति वो आ गए। कुदरतन जलंधर च उन्हें बहुत ही आए, उन्होंने फिर चाहे वह सारे ही उजड़े पुजड़े सन, उन्होंने फिर अखबार शुरू किए। उसका एक बहुत बड़ा कारण सी, अज अखबार भी काफ़ी बदले लगते हैं, एच कमर्शलिज्म भी आना जा रहा, पर उस वेले उस उजाड़े तो बाद जिन्हां कोल कुछ भी नहीं सी उन्होंने आके अखबार क्यों शुरू किए, इहदे बारे कई बार मैं सोचना, तो फिर उन्हां शख्सियतां बारे सोचना, उन्हां दे मन च एक मिशन सी अपने लोकां नाल जुड़न दा, अपने लोकां नूं अपनी गल कहण दा, उन्हां नाल रल के किवें उन्हां दा उन्हां दे रूबरू होना सामने होना, यह उन्हां दा मिशन सी। ते इस मिशन तक जिहड़ी ओह साडी पीढ़ी सी जिहदा मैं जिक्र कर रहा, ओह इस मिशन इस लगन इस प्रतिबद्धता नाल ही इहदा मैं गवाह हां ओह कम करती है। अज भी जदों इस तरह की कोई साडे पत्रकार बिरादरी चो गल होती है तो मैनों पुराना वेला पुराने शख्सियत जिन्हां ने अपने समाज को अपना बनता जो कुछ वो कर सकते थे वो दिता वो याद आते हैं। इस मिशन नूं निर्वन जी तुहाडे बच्चिआं ने पुनीत अते रितन ने इस मिशन नूं अगे तोरिया, जो भी अज साडे सामने चुनौती है उस लई तुहाडा शुक्रिया, उस लई तुहानूं बहुत बहुत बधाई ते शाबाश। एक हुणे मैं देखिआ कि ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਿਰਵਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀ ਜਾਗ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਲੀ ਗੁਆਚ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਭ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ
इस प्रति जागरूक भी लोग हो, प्रतिबद्ध भी हो, एक डिसिप्लिन भी साडे जेड़ा ओ पैदा होवे। जदों तक ये डिसिप्लिन नहीं पैदा होगा उदों तक साडे जेड़े यतन वो अधे अधूरे रहेंगे। पर आपो अपने जिन्ना भी कोई कर सकता है, जे इरवन होरां ने सुमेंदु परिवार ने यह यतन किया ओनू मुबारक इस करके कि इहदा असर भी पैंदा ते जिन्ने दे ओ समर्थ है ओ उन्होंने किया। इहदे लई बहुत बहुत बधाई और सारिया ने तुसी इहदे च हिस्सा लिया। फिर साडे शख्सियतां इन्नी अच्छियां जिन्होंने कुछ करके दिखाया वो आए आ, इहदा जरूर इरवन जी असर पएगा और ये जाग जिहड़ी है ये लगेगी। तुहाडी यही कंट्रीब्यूशन है कि तुसी इस विचार नूं वातावरण गंदले हो रहे विचार नूं किवें इहनूं शुद्ध करना उहदे वल सोच पैदा कीती है, कुछ कदम वधाए आ ते अगों अगों जिहड़ा दीवे तों दीवा जिहड़ा ओ चलेगा। ओ इक आम ये है कि एक दीवे और सूरज नूं एक दीवे ने सूरज नूं कहा कि जे मैं चला मतलब मैं जदों गया ते तू वो कहंदा जी कि मैं यतन करांगा ते रोशनी हो जाए। वो किन्नी रोशनी दे सकदा पर दीवे तो दीवा रोशनी तो रोशनी ये बनती है। इस तुसी कदम उठाया बहुत अच्छा, मैं सब नाल मिल के तुहानू इन्हां दे बड़ा इन्हां दी प्रतिभा ते सियाणप ते कमिटमेंट ते मैनू बड़ा मान रहा। हमेशा बहुत इरवन ते इन्हां दे बच्चियां ने बहुत अच्छे परंपरावां अच्छे परिवार चों उठ के अच्छियां परंपरावां मेहनत कीती है, अज भी ये पूरी मेहनत कर रहे हैं। और ये नाल नाल जे समाजिक सरोकारां नाल लगातार जुड़े रहिंदे आ ते ये होर भी बहुत वधिया गल आ। इस लई मैं सब नाल रल के इरवन जी तुहानू बहुत बहुत बधाई पेश करदा। सत्य कहने लगा हूँ, जब इस कार्यक्रम को हमने मन में सोचा था और आज के दिन की जो सोच थी, बहुत हम बाप बेटा सब डरे हुए थे क्योंकि ये कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं था जहाँ गाना बजाना या उसको बड़ा गंभीर माहौल का था और हम सब डरे हुए थे कि कोई आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि विषय ऐसा था कि किसी में रुचि होगी या नहीं होगी। तो हम जब तक आप लोग नहीं आए हम डरे हुए थे, तो पहले आपने आके हमारा डर उतारा, उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद। मंच पर विराजमान जो बुद्धिजन हैं उन्होंने जो बातें कही वो आप सबको आपके दिल में उतरी होगी। संत जी ने चाहे कहा कि संकल्प लेके चले, बुजिंदर भाई ने कहा अमल करें, राणा जी ने आबादी की बात करी, सरकार की मजबूरी की बात करी, खन्ना साहब ने जीवन की जो जुड़े बातें साइकिल की बताई, मैं एक साइकिल डीलर का बेटा हूँ उसने मुझे वो बात अच्छी तरह याद रहेगी। समस्या कहाँ है, जो हम इंसान की योनि को हम 84 लाख योनियों के बाद कहते हैं, बड़ी दुर्लभ योनि मिली है इंसान को, 84 लाख योनियों के बाद इंसान की योनि हमें मिलती है, क्योंकि इसी योनि में इंसान उस परमात्मा से भी मिल सकता है और इसी योनि में ही इंसान को एहसास होता है कि मैं 5 तत्व का बना हुआ हूँ और मैं आया हूँ और मैंने जाना भी है। इस चीज का एहसास भी इंसान को इसी योनि में है और किसी योनि में ये एहसास नहीं है। और जो भी बात विकास की करी, पिछले 200 साल में इंसान ने अपने उसी विवेक उसी ज्ञान को इस तरह इस्तेमाल किया कि आज हम चंद्रमा सूर्य को ढूंढने के मंगल तक पहुंचने की तैयारी में है और दूसरी तरफ उसी विवेक का इस्तेमाल करके अगर हम सब यहाँ पर बैठे आत्मचिंतन करें तो देखें कि हमारे घर में बहुत सारी रजिस्ट्री हैं, FD है, मकान है, जायदाद है, सब कुछ है, यहाँ पर जितने बैठे सबके पास ये सब कुछ है और
इस सोच के साथ भी है कि हमने जाना और ये साथ कुछ भी जाने वाला नहीं, ये भी साथ आ गया। इस सोच, इस समझ के बाद कि जो कुछ हम बना रहे हैं वो हमारे साथ जाने वाला नहीं है, लेकिन हम बना रहे हैं। क्यों? कि हमें इस बात का भरम है कि हमारे बच्चों को सुख देगा। धान अगर सुख दे तो ये भरम है, निकलती है हम सब। धान से सुख का कोई लेन देन नहीं है। हमारे भेदों में सुख मांगा गया पहले निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। अगर काया ही निरोगी नहीं तो धन क्या कर लेगा, धन कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हमारा भ्रम है कि हम उस धन को एकत्रित करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उसका सोच रखते हैं। और काया, संत जी ने बोला, ऋषि तिवारी बता रहे थे कि पांच तत्वों की काया है। उस पांच तत्व में पानी, हवा, भूमि, अगर हवा प्रदूषित है, पानी प्रदूषित है, भूमि में पोषक तत्व नहीं है। अभी राणा जी कह रहे थे कि माँ के दूध में पेस्टिसाइड आ गया है, तो हम अपनी भावी पीढ़ी को दे क्या रहे हैं? एफडीओ तो यही रह जाएंगे, जलाल भी यही रह जाएगी, हम नहीं होंगे, लेकिन भावी पीढ़ी को क्या दे चले हैं? अगर हम अपना तीर देखें तो हमारे खानांगन में मुर्गी, बकरी, पीपल, तुलसी, नीम, ये सब कुछ लगते थे। हम उससे पूछते थे, लेकिन हमें ना जाने किसने कहा कि ये अंधविश्वास है, पीपल को पूजना नहीं, तुलसी को देखना नहीं, घर में आने में लगाना नहीं। लेकिन उसके तत्व थे। अभी राजा के नजर यज्ञ करते थे, अगर हम फैक्ट्री की हवा प्रदूषित करते हैं तो यज्ञ की ठीक भी तो करेगी ना। वो एक एक घर में सुबह शाम जब हम हवन करते थे, वो कवर परमात्मा तो ना जाने किसने देखा नहीं देखा, लेकिन वो वातावरण को जो ठीक करता था उसकी एहसास हमें नहीं रहा। विकास तो हमने किया और विकास हमारा उस जहाज की तरह जो 35,000 फुट की ऊंचाई पे उड़ तो रहा है, पर उसे ये नहीं पता लग रहा उसकी सुई खराब होगी, लैंड कहाँ पे होगा। गति भी है, उड़ाई भी है, उड़ान भी है हमारा, पर लैंडिंग कहाँ पे होनी है? वो लैंडिंग की सुई जो है वो गड़बड़ा गई है, हमारा विवेक कहीं वहां पे जाके लड़खड़ा गया। हमने केवल धन को ही अपना सब कुछ धर्म मान मान लिया, तो वो गलती जो है। मैं संत जी है तो मेरा एक आम मैं कहता हूं कि जो संत है ना वो मौत से मुक्ति की तरफ ले जाता है। मौत को सबको आना है, लेकिन मुक्ति का एहसास संत कराता है कि पांच तत्वों की देखे परमात्मा उसके जोड़ के मौत से मुक्ति का रास्ता भगवान जो संत महात्मा हमारे हैं वो हमें दिलाते हैं। तो ये जैसे सब यहाँ पे हम सोचते हैं कि एक ऐसा समय है जो हमारी पीढ़ी को तो है ही है, हमारी आने वाली पीढ़ी को भी एक समस्या है। तो संत जी ने ये कदम उठाया, वजीन्द्र भाई जी ने पिछले कुछ वर्षों से ये हरियाबल के शुरू की, तो संगत का रंगत ज्यादा चढ़ती है, जिस संग में आदमी रहता है उसका असर भी पड़ता है, उससे प्रेरणा भी मिलती है आदमी। मुझे एक प्रेरणा अमराज जी ने पीछे एक पानी को लेके पुस्तक निकाली थी, वो भी मैंने पढ़ी है। तो ये सारा मिल मिला के लगा हमें कि जहां भी हम बैठे हैं इस भ्रम से बाहर निकले कि जलाद देकर हम बच्चे को सुख देने जा रहे हैं। अगर हवा पानी नहीं थी तो आप सुख नहीं दे सकते। आपका बच्चा पंग या किस मानसिक बुद्धि के हिसाब से कुछ हो, ये और नहीं थे 10-15-20 साल में ये समझे हमारे धर्म में आएगी, मालवा में आ चुकी है, वहां पर नपुंसकता बढ़ चुकी है, ये चीजें शुरू हो गई हैं। अगर हम भी आंख बंद करके रहेंगे तो ये समस्या हमें घेरेगी। कबूतर की स्थिति में मत बने, अपने आप को एक बाज वाली दृष्टि रखें, चुकन्ने होकर जिए, तभी हमारी भावी पीढ़ी आएंगे। मैं अंत में अपने विशेष मेहमान सिक्की जी जो बाहर से है तो जलंधर के लेकिन विधायक हैं, बाहर से हैं, राणा जी के साथ अंगद जी नवा शहर से हैं, उनका भी भारी हूँ, सोम प्रकाश जी का भी भारी हूँ, ये भुवाड़ा से आए, इनके आने से हमारी शान बढ़ी, आप सब के आने से। आपके जो ब्रजेंद्र भाई जान ने तो वैसे मैंने बोला झोली भर दी आपने आज का दिन इतना तारीफ, और आपने जो प्यार या मैं समझ रहा हूँ विश्वास, इस विश्वास ने हमें ये शक्ति दी कि हमने जो अपने जो एक कदम उठाया है वो और आगे चाहे धीमी गति से चले पर चलता रहेगा। एक शब्द के साथ ही आपका प्यार हमें मिलता रहे, हम आपके आभारी रहेंगे।